ये फरूखनगर की तहसील है, आप देख लीजिए तहसीलदार। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। अपनी आदत से मजबूर लापरवाह लोग बेईमानी और कामचोरी से बाज नहीं आते, ऐसा ही कुछ हाल है हमारे गुरुग्राम प्रशासन और बाबू लोगों का, जो जनता के पैसों की मौज उड़ाते हैं और काम के नाम पर छू मंतर हो जाते हैं। इन बाबू लोगों को न जनता का डर है, न ही हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का। ऐसा ही एक वीडियो हमारे एक दर्शक ने हमारे पास भेजा, जब फरुखनगर के तहसीलदार सुशील कुमार शर्मा और नायब तहसीलदार रण सिंह अपनी कुर्सी से नदारद नजर आए। आइए एक बार आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये फरुखनगर की तहसील है और ये तहसील कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है, और आपको दिखाते हैं सरकारी दफ्तरों के हाल, दिखाते हैं आज के है क्या। ये जी आप देख लीजिए उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसको हम बोलते हैं, फैन चला हुआ है, लाइट्स ऑन है, एसी चला हुआ है नहीं कोई नदारत। अब आते हैं तहसीलदार, तहसीलदार साहब देखते हैं वो हैं बैठे हैं नहीं है, नहीं है, एसी चला हुआ है, लाइटें जैसी हुई हैं, फैन चले हुए हैं। तो ये हाल है तहसील फरुखनगर का, और मुख्यमंत्री साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जिनके पास ये विभाग है। जरा भी डर हो इन बाबू लोगों को जनता की कष्ट कमाई से जेब में जाते पैसों का, जो लापरवाह ये लोग मजे से एसी, लाइट और पंखा चलाकर ना जाने कहां टहलने निकल गए। एक बार तो ऐसा लगता है कि इस मौके पर काश हरियाणा के गृह मंत्री मौजूद होते, जो ना केवल इनको सस्पेंड करते बल्कि काम ना करने पर इनकी FIR भी करा देते। कोर्ट से देख ले जनता, जिन्हें धक्के खाने के लिए इन बाबू लोगों द्वारा मजबूर कराया जाता है, पर जरा भी परवाह हो इनको उस पैसे की जो जनता की जेब से आता है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।